यम, यदि इस युद्ध में विद्या भी दांव पर लगाई जाएगी तो मेरा अनुरोध है कि इस द्वंद को यहीं समाप्त कर दिया जाए। माता, ये युद्ध त्रिदेव की अनुमति से आरंभ हुआ है। शनि ने जो मांगा है वो अवश्य अनुचित है, परंतु उस मांग को स्वीकार करना ना करना देवगुरु के हाथ में है। और यदि गुरु बृहस्पति को इससे कोई आपत्ति नहीं तो इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। सभी को आपके उत्तर की प्रतीक्षा है देवगुरु। बताइए कि आप इस युद्ध में विद्या को दांव पर लगाने के लिए सहमत हैं? हाँ, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। यदि शनि की विजय हुई तो देवगुरु बृहस्पति की समस्त विद्या पर शनि का आधिपत्य होगा, और यदि देवगुरु बृहस्पति शनि को पराजित करने में सफल हुए तो शनि की विद्या और ज्ञान पर देवगुरु का अधिकार होगा। नारायण, हमें द्वंद्व रोकना होगा। इस प्रकार शनि का देव गुरु पर आक्रमण करना उचित नहीं है। शनि को इसके दुष्परिणाम भोगने होंगे। ब्रह्मदेव, मानता हूं कि शनि के पास अब कर्म फलदाता की पदवी नहीं है, फिर भी कर्म और कर्म फल का ज्ञान शनि से अधिक इस संसार में किसी को नहीं। शनि को यह ज्ञात है, इस युद्ध में प्रत्येक दांव के लिए उसे उसका कर्म फल भोगना ही होगा। उठाओ शस्त्र शनि और कर दो अधर्म। उठाओ। देवगुरु बृहस्पति एक योद्धा से उसके प्रिय शस्त्र से लड़ना ही धर्म युद्ध, परंतु मैं अपने शस्त्रों से युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध अवश्य करूंगा, किंतु शास्त्रों से। कहिए, शास्त्रार्थ स्वीकार है? तो फिर देवगुरु होने के नाते मैं तुमसे तीन प्रश्न करूंगा। पहला गूढ़ ज्ञान से संबंधित होगा, दूसरा तर्क से, और तीसरा सत्य से। यदि तुम मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे तो इस युद्ध का विजेता मैं कहलाऊंगा, और यदि तुमने अपने उत्तर से मुझे संतुष्ट किया तो तुम्हारी विजय होगी। स्वीकार है? शस्त्रों से युद्ध करने से कई अधिक कठिन है शास्त्रों से युद्ध कर। किंतु वो युद्ध ही क्या जो सरलता से जीता जाए? मुझे स्वीकार है देवगुरु। आप अपना पहला प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न कि तुम्हारा यहां लौटकर आने का प्रयोजन क्या था? कर्ष। कर्ष? उसका क्या तात्पर्य? आपके इस प्रश्न का उत्तर कदाचित कर्म या कर्मफल होना था देवगुरु, पर अब मुझे कर्म की व्याख्या का अधिकार नहीं, किंतु यह कहीं ना कहीं कर्म और कर्मफल दोनों से संबंधित है। कर्म का कर्मफल कर्ष कहलाता है। और जब कामना कर्मफल से जुड़कर किसी और को अपनी ओर खींचे तो उसे आकर्षण कहते हैं। उत्तम कर्म का कर्मफल व्यक्ति को ऊपर उठाता है, अतएव उसे उत्कर्ष कहते हैं। बुरे कर्म व्यक्ति का पतन करते हैं तो वो
अपकर्ष कहलाते हैं। ना मैं अच्छा हूं ना मैं बुरा, बस कर्म का कर्मफल मैं हूं, बस कर्ष हूं। संपन्न हुए कर्मों के लिए मेरा यहां आना अनिवार्य था। मैं यहां आया कुछ लोगों के उत्कर्ष के लिए और कुछ के अपकर्ष के लिए। मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। कर्ष हूं, आना तो था ही। अगला प्रश्न देवगुरु। मेरा अगला प्रश्न तर्क से संबंधित है शनि। तुमने मंगल को सूर्यदेव के सिंहासन पर आसीन होने से रोका, यह जानते हुए कि इससे सूर्यदेव का प्रादुर्भाव संभव था। उसी सूर्यदेव को तुम अपना पिता कहते हो, जिनके निर्णयों का तुमने सदा विरोध किया, क्यों शनि? त्रिदेव और यह समस्त संसार जानता है कि सूर्यदेव बिना पक्षपात के सबको देखते हैं, तो फिर उनके निर्णयों पे तुम्हें संदेह क्यों? देवगुरु, निष्पक्षता और न्याय आपस में संबंधित होते हुए भी बहुत भिन्न है। सूर्यदेव समान दृष्टि के प्रतीक, परंतु मैं सदैव न्याय के पक्ष में था, क्योंकि मैं केवल सूर्यांश ही नहीं अपितु छाया अंश भी हूं। अगर मुझ में सूर्य का तेज है तो छाया का विवेक, छाया का विवेक, छाया का विवेक, छाया का विवेक, छाया का विवेक। जीवन दाता हूं मैं, देव हो या दानव, सब मेरे प्रकाश से जीवन पाते हैं। परंतु केवल प्रकाश ही जीवन नहीं देता, छाया का अस्तित्व भी जीवन के लिए आवश्यक है। सारे नौ ग्रह किसी न किसी रूप में बलशाली, किंतु यदि अधिकार की बात है तो संसार को प्रकाशित केवल सूर्यदेव कर सकते। सभी ग्रहों को इस युद्ध में भाग लेने की अनुमति देना समानता, परंतु न्याय नहीं, क्योंकि न्याय सर्वश्रेष्ठ के चुनाव से होगा। अब मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न सत्य से संबंधित है शनि। इस ग्रह युद्ध में भाग लेने का तुम्हारा वास्तविक प्रयोजन क्या है शनि? अद्भुत देव गुरु, अद्भुत। अब ये तो ज्ञात होगा कि शनि यहां क्यों लौट कर आया है और क्यों सूर्य लोक पर अधिकार करना चाहता है। कहो शनि, क्या उत्तर है तुम्हारा? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। देख रहे हैं सब, शनि ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। धर्मराज, जब शनि पराजित हो चुका है तो देवगुरु को विजयी घोषित किया जाए। कहिए देवराज, कहिए देवराज, कहिए देवराज, कहिए देवराज, धैर्य रखिए। इस युद्ध में इतनी आतुरता उचित नहीं। आप भूल रहे हैं कि शास्त्रार्थ का निर्णय देवगुरु बृहस्पति को करना है। मैं नाना श्री की बात से सहमत हूं। हमें देवगुरु बृहस्पति के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार पुनः विचार कर लो शनि,
तुम निश्चित हो ना कि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे? आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाधित नहीं हूं देवगुरु, क्योंकि ये तीसरा प्रश्न नहीं अपितु ये चौथा प्रश्न है। स्मरण करिएगा देवगुरु, आपका पहला प्रश्न था कि मेरे वापस लौटने का प्रयोजन क्या था। आपका दूसरा प्रश्न था कि कर्ष का तात्पर्य क्या है। और तीसरा प्रश्न कि मैं सूर्य देव के विरुद्ध क्यों। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर दे चुका। कुटिल शने, और यह आपका चौथा प्रश्न नियम अनुसार जिसका उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं। अब निर्णय आप स्वयं लीजिए। तुम्हारे उत्तर न केवल तर्क संगत थे शनि, अपितु उनमें धर्म और कर्म का संतुलन भी सम्मिलित था। मैं तुम्हारे ज्ञान के आगे नतमस्तक हूं और अपनी हार स्वीकार करता हूं। एक बार पुनः शनि ने सिद्ध कर दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने से कठिन युद्ध भी जीते जा सकते हैं। बुद्ध देव को पराजित करने के पश्चात शनि की यह दूसरी अपस्वय विजय, जहां शनि ने अपने ज्ञान का उपयोग करके इस युद्ध में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। शनि और देवगुरु बृहस्पति के बीच इस गृह युद्ध में शनि की विजय हुई। अब शनि नवे घर जो धर्म और भाग्य का घर है उसका भी स्वामी हुआ। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति के समस्त विद्या पर शनि का अधिकार हुआ। तुम्हारी बुद्धिमता और ज्ञान के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है शनि। तुम दांव पर लगा हुआ मेरा ज्ञान और विद्या ग्रहण करो। नहीं देवगुरु, मुझे आपकी विद्या की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो युद्ध के नियमों के अनुसार इस पर तुम्हारा अधिकार है शनि, इस युद्ध के विजेता तुम हो। हां देवगुरु, मानता हूं विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं, परंतु ना तो विद्या को छीना जा सकता, ना लूटा जा सकता और ना ही जीता जा सकता। उसे केवल परिश्रम से अर्जित किया जा सकता है। और फिर जिस ज्ञान और विद्या को मैं अपने तर्कों से विजित करने में सफल रहा, उसे अपने पास रखकर क्या लाभ। अपनी विद्या आप स्वयं संभालें। बड़ा योद्धा वो नहीं होता जो युद्ध जीते, बड़ा योद्धा वो होता जो अपने शत्रु के गुणों का सम्मान कर मेरे तर्क और ज्ञान को श्रेष्ठ स्वीकारने के धन्यवाद दे। विजयी भव।
देवगुरु बृहस्पति, शनि से पराजय मिलने के साथ ही आप इस युद्ध से बाहर हुए। ये शुभ संकेत नहीं है यम? यदि इसी प्रकार शनि एक के बाद एक घर का स्वामी बनता गया तो सूर्य देव का वापिस लौट पाना असंभव होगा यम, असंभव। संध्या होने को है, इस ग्रह युद्ध पर यहीं विराम होता है जो कल पुनः प्रारंभ होगा। आज के युद्ध में शनि ने बुध और देवगुरु को हराकर दो घरों पर स्वामित्व पाया और वहीं मंगल ने शुक्राचार्य को कुटुंब के स्वामी घर में पराजित किया। अब इस युद्ध में केवल 5 प्रतियोगी ही शेष हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु और चंद्र। प्रतीत होता है देवराज, शनि की दोहरी विजय ने मंगल को व्याकुल कर दिया है। यदि इसने अपनी भूल से नहीं सीखा तो शीघ्र ही शनि को सूर्य लोक के सिंहासन पर बैठा देखकर आहत होगा। देवराज, लगता है आप मेरे कोप के भाजन बनने के इच्छुक हैं। नहीं, मैं तुम्हें सत्य का बोध करवाने का इच्छुक हूं। मंगल, बहुत कष्ट हो रहा है ना इस पाश में। विश्वास करो मंगल, यदि तुमने अपने विवेक से कार्य नहीं लिया तो इससे कई गुना अधिक पीड़ा सहनी पड़ेगी तुम्हें। मंगल, आपकी बात समझ में आई, किंतु यह समझ में नहीं आया, जब सबको ज्ञात है कि अंतिम द्वंद मेरे और शनि के मध्य होने वाला है तो फिर शेष ग्रहों के साथ ये खेल क्यों? इसी प्रकार अपने बल के अहंकार में रहे तो शनि के साथ द्वंद के समय तुम में कोई बल शेष नहीं रह जाएगा। मंगल, यदि तुमने इस युद्ध में अपनी नीति के ज्ञान का उपयोग नहीं किया तो शनि तो क्या, कोई भी ग्रह तुम्हें सरलता से पराजित कर देगा। मंगल, कदाचित आप उचित कह रहे हैं देवराज, मुझे ही अपनी नीति बदलनी होगी। अब हम तुम्हारी दुर्बलताओं के द्वारा तुम्हें इस युद्ध में पराजित करेंगे शनि।